Guys, lion, क्या बात है, क्या बात है, दिखाऊं आपको कहाँ है। सफेद मोर, ये अच्छी चीज जो रेयर होता है। जंगली बिल्ली, शेर नहीं है ये, बिल्ली की प्रजाति है, कैट ही है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मुझे दूर से कसम से लगा कुछ पत्थर रखा हुआ है वहां पर बड़ा सा, वो देखो वही है गेंडा। गाइस काला मुर्गा, वो शानदार, देखो एलिगेटर गाइस, मगरमच्छ भाई, ये भी इतना खतरनाक होता है ना, एक बार पकड़ ले छोड़ता नहीं है किसी को। बाय द वे आप लोग को बता दूं, यहीं पर ही वो सीन हुआ था जो बंदा इसमें गिर गया था, वो यहाँ का शॉट है। वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, यहाँ पर भी होंगे, अच्छे होंगे। ओके दोस्त, आगे देखना है जबरदस्त बेहतरीन बेमिसाल व्लॉग के साथ। आज इतने सालों बाद मैं आया हूँ जू, यस गाइस, जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में है, कवर करने बहुत टाइम के बाद यहाँ, मतलब मेरे को याद है बचपन में चाचा के चाचा, मेरी दीदी बहुत छोटे थे जब मैं आया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये है सामने पुराना किला, इधर भी एक ही बार ही गया हूँ बस, और ये है जूलॉजिकल की एंट्री, देन उसके बाद इधर से अंदर जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो दो मेट्रो स्टेशन है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक है आपका प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में आने के बाद आपको सीधे से यहाँ से शायद शेयरिंग ऑटो चलते हैं, 10 रुपये लेगा आपको, जूलॉजिकल पार्क छोड़ देगा, बाहर ही आपको छोड़ेगा, अंदर आपको बायोवॉक जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर चल के टिकट, एंट्री, टाइमिंग्स, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय, बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे साथ आए हैं, ये कली दुबई से आया और मैंने बाहर घुमाने ले आया जू। हाय एवरीवन, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ गर्मी गर्मी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, बट अभी फॉरकास्ट दिखा रहा था कि गर्मी अभी कम होने वाली है। गाइस हमें आए हुए 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर और हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ के काउंटर क्लोज हैं, ऑनलाइन टिकट्स हो रहे हैं। ऑनलाइन भी मैं 3-4 बार पेमेंट ट्राई कर चुका हूँ टिकट करने की, बट सर्वर लो, सर्वर लो एरर, सर्वर लो एरर। देखे ना कितनी भीड़ है गाइस, वहाँ पर नहीं है, इधर जो काउंटर है वहाँ नहीं है भीड़, देखो खाली पड़े जहाँ से लोग जा रहे हैं, तो इधर देखो हजूम भरा हुआ है सब टिकट करने के लिए। यार देखो ज़्यादातर लोग ना अपन के नॉर्मल आते हैं यार, जो बाहर से आ रहे हैं वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, 10 चीज़ें होती हैं और वो भी ईजी नहीं है, कार्ड से ही करना है, गूगल पे पेटीएम से नहीं हो सकते टिकट्स। यार क्या पता नहीं क्या ही है, अब देखते हैं क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। भाई साहब भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ, तो फॉर श्योर अंदर भीड़ नहीं होगी क्योंकि लोग बाहर से बाहर वापस जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है, बहुत ही, मम्मा कह रहे भाई इतना जद्दोजहद इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, आखिरकार हो ही गई टिकट, वो कैसे हुई क्या हुई वो छोड़ो, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बट अगर आप आ रहे हो तो ऑनलाइन बुक करके आओ। खैर बहरहाल इतना है कि हम जू में आ चुके हैं अंदर, और ठीक है एक चीज़ मुझे बदली भी दिख गई अंदर, आई लव दिल्ली जू। अब गाइस बात करते हैं टाइमिंग्स की, टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी हैं बिल्कुल, मतलब 8:30 बजे से 4:30 बजे तक ही खुलता है, और जब ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो उसमें 2 स्लॉट्स हैं, एक 8:30 से 12:30, एक 12:30 से 4:30। ये मनाली की फील देता हुआ नकली, और ये हैं कुछ डक्स, डक्स तो देखे हैं यार बहुत सारी, कोई बात नहीं, दिख रही है तो आपको दिखाता चल रहा हूँ, तो घुसते आपको राइट साइड में ये दिखेंगी पहले, ठीक है अच्छी लग रही है, धूप क्यों ले रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी है बढ़िया है। मैडम आप धूप क्यों ले रही हो, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? मैडम, ओ मैडम, हाँ हाँ हाँ, नहीं ले रही, अच्छा ठीक है, मना कर रही हूँ। चार्जेस देते हैं भैया आपके? 70 रुपीज पर हेड, पर हेड पर पूरा घुमा के रुक रुक के। हाँ जी आप उतारेंगे स्टॉप पे, आप वेट करोगे, घूम के आइए, उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी आए उसमें बैठते हैं। तो आप टिकट वगैरह देते हो कुछ? हाँ वो टोकन है सामने, अच्छा टोकन मिलता है, चलो। अरे आमिर भी है यहाँ पर, आमिर तू कब आया? आमिर आमिर, हाँ हाँ मार ले गाइस अभी तक। हाँ अगर सामने से हमारे शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे, कैसे बचोगे उससे? देखो हम तो कुछ नहीं करेंगे, जिसे जो करना होगा वही करेगा। अरे देखो स्वान उड़ता हुआ जा रहा है गाइस, घंटों घंटों तक एक ही पैर पे बैठे रहते हैं ये, ऐसे करके घंटों 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 एक ही पैर पे,
काफ़ी बैठे हुए हैं, मतलब ये इनका रेस्ट मोड होता है सिंगल पैर पे घूमना, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे इनकी। अब देख रहे कॉन्सेंट्रेशन, क्या बात है। एक बार क्लोजअप दिखाते हैं आपको इनका, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। अब बोलते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं जी, पूरा इन्होंने ले रखा है ये। हाँ, इनका पसंदीदा फूड है मछली, मछली पकड़ते हैं खाते हैं। बट मुझे नहीं लगता इस तालाब में मछली होगी, इसमें नहीं होगी, इनके लिए डालते अच्छा डालते होंगे आके। सही है यार, गाइस देखो हिरन। सो गाइस ये है 12 सिंगा, क्या बहुत बड़े हैं यार एक्चुअल में। शिट भाई साहब, दूर बैठे हैं बट इतने ह्यूज लग रहे हैं कसम, सामने आ जाए तो यार क्या बात है, बहुत ह्यूज है ये। बीच में रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी है, रिफ्रेश नाम से, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ भी है ले सकते हो, गर्मी हो रही है अपना। अब मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जहां पर वाइट टाइगर ने अटैक करा था एक लड़के पे, तो यहां से कहां यहां जाना है ना। हाँ यहाँ तो बाहर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं कुछ, वहाँ खाना खा रहे हैं, ये तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। वाइट ब्लैक वाइट भी है, ये रेयर है, ये नहीं होते हैं ये नहीं देखे, बहुत बढ़िया। गाइस देखो ये है ताड़ बिलाव, ओ भाई रैट की प्रजाति होती है ये, वो लेटे देखो। जंगली बिल्ली, शेर नहीं है ये, बिल्ली की प्रजाति है, कैट ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सो रहा है, दिख गया भाई साहब, हमारे घर में बिल्ली वो भी ऐसी सोती है। गाइस यहाँ पर ना बंद कर रखा, आमिर तेरे लिए खाली है ये जगह। भाई मुझे दूर से कसम से लगा कुछ पत्थर रखा हुआ है वहां पर बड़ा सा, वो देखो वही है गेंडा। मैं ढूंढ रहा हूँ, लिखा तो गेंडा है कहाँ, पत्थर रखे हैं दो तीन बड़े बड़े, भाई वो पत्थर नहीं है भाई साहब, राइनोसोरस है, देख रहे हो, हॉर्न्ड ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, क्या बात है। एक सींग होती है इनकी, वो वही काफी होती है कसम से, बहुत जबरदस्त है यार। दो है, एक वो खड़ा, एक वो खड़ा, एक वो खड़ा, देखो आपने कभी देखे हैं इतनी पास से जानवर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ मिलेंगे ना, समीर खान के ब्लॉग में सिर्फ यार, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसी चीज़ें देखने में, आप खुद जुआ जाओगे जब भी आपको देखने नहीं मिलेंगे, मैं थोड़ा VIP एंट्री है ना मेरी भाई, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। आपको अम्मा किसका इंतज़ार है यहाँ पर? मुझे लायन देखने का इंतज़ार है, लायन लेपर्ड देखने का इंतज़ार है, और एक इसमें मंकी है जो बहुत ज़्यादा शोर करता है, वो हम तुम्हें दिखाएंगे। ये मेरी आवाज़ थी वैदो है, अरे मकाओ मकाओ मकाओ, बट मकाओ तो आपने मेरी वीडियो में देखा हुआ है विराज भाई के पास, भाई साहब एक्चुअल में ये दिखेगा कैसे, लेकिन मकाओ मैंने सामने से दिखाया हुआ है, ऐसे देखा हुआ है, छुआया हुआ है। गाइस अफ्रीकन ग्रे पैरट मैंने ये दिखाया हुआ है, ये भी विराज भाई के पास अफ्रीकन ग्रे पैरट, और इसको ये एक ऐसी स्पीशीज है जो सबसे ब्रिलियंट पक्षियों में आता है, मतलब जो हम लोग ना एक रैंक्स दी हुई हैं लोगों को कि सबसे समझदार कौन, सबसे पहले इंसान, उसके बाद और भी चीज़ें, तो थर्ड या फोर्थ रैंक है इसकी समझदारी में ये, मतलब इसको 1000 वर्ड्स याद हो जाते हैं इस तोते को, मम्मा पूरा पूरा गाना रख लेता है ये तोता, बहुत ख़तरनाक होता है ये। और ये मुझे विराज भाई ने दिया थोड़ी बहुत नॉलेज, काला मुर्गा शानदार, ये भी काला मुर्गा, देखो ये है गोल्डन फेजेंट, जो वो बैठी। हाँ हाँ
ये बहुत खूबसूरत है। मिरर की वजह से ना आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, दिख नहीं पा रहा है, बट हम सामने देख रहे हैं काफी अच्छा दिख रहा है। मत तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे, तितर बोलो कितने तितर, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, बोलो कितने तितर। नहीं एक ही है यहाँ पर तो बहुत तेज धूप आ रही है यहाँ पर। सॉरी गाइस मैं आपको नहीं ले पाऊंगा, बहुत तगड़ी धूप है यहाँ पर। सफेद मोर ये अच्छी चीज जो रेयर होता है वहाँ पर, नॉर्मल मोर भी है बट ये तो हमें फॉरेस्ट में बहुत मिल जाते हैं हमारे। गाइस ब्रेक हो गया है, ब्रेक लेने के बाद अब सीधा चल रहे हैं टाइगर की खोज में। अरे वैसे क्राउड काफ़ी है, मतलब मुझे लगा था नहीं होगा बट है, गर्मी भी लोग आ रहे हैं। जानवरों से प्यार करते हैं यार हम बहुत ज़्यादा, नेचर से, जानवरों से। ओ माय गॉड, हॉर्नबिल है, इसके हमें बुक्स पढ़ी हैं। गाइस देखो हॉर्नबिल, वो बैठा, अरे वाह ये अच्छा है, ये बढ़िया है, अच्छा है। गाइस लायन, क्या बात है क्या बात है, दिखाऊं आपको कहाँ है वो। सो रहा है यार, ऊर्जा भाई वीडियो की तरह सो रहा है। ड्रोन से भी देख के आऊं, शेर के बाद अब हमारी खोज है टाइगर के लिए। टाइगर बहुत जबरदस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, एक वाइट है और पता नहीं और कलर का है, वाइट तो वही जहाँ हादसा हुआ था तो वही फिलहाल देखने जाएंगे, मैंने उसके बाद कभी देखा ही नहीं। हाँ लास्ट टाइम भी आया था तो वो जगह सील थी, बंदिश है, टाइगर वहाँ था नहीं, रेस्क्यू कर रखी तो कोई बीमारी वमारी हो रखी थी, तो अभी देखेंगे। भाई आप भले ही बहुत पहले गए थे, यहाँ देखो इंडियन एलिफेंट, बोल रहा था ना पहले वो इंडियन एलिफेंट, यू आर राइट, एनी टाइम हिल पे रहते, अगर नहीं हिलेंगे तो गिर जाएंगे। एक्चुअल में यार बहुत ह्यूज है एलिगेटर गाइस, मगरमच्छ भाई, ये भी इतना खतरनाक होता है ना, एक बार पकड़ ले छोड़ता नहीं है किसी को, भारी आ रहा है, बस स्लो बहुत होता है। नहीं वाह, बाहर आ जाओ उस्ताद। मम्मा कुतुब मीनार आ गए, कुतुब मीनार नहीं है ये, क्या बात है, मतलब आपको यहाँ चिड़ियाखाना कुतुब मीनार नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन ये मिनी कुतुब मीनार है। मिनी कुतुब, हाँ देख रहे हो, मतलब नेचर ने छोड़ा नहीं कुछ भी। अरे वसूल पैसे By the way, आप लोग को बता दूं, यहीं पर ही वो सीन हुआ था जो बंदा इसमें गिर गया था, वो यहाँ का शॉट है, ये नहीं होगा, ये वाइट टाइगर था, वो यहाँ का पूरा सीन है। अभी वो बैठा जैगुआर, बट पता नहीं कहाँ है, यहाँ पर मैंने कई बार देखा है घूमता हुआ यहाँ पर ऐसे। अरे बोरा गाइज, बात करते हैं टाइमिंग्स की। टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी हैं बिल्कुल, मतलब 8:30 बजे से 4:30 बजे तक ही खुलता है, और जब ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो उसमें दो स्लॉट्स हैं, एक 8:30 से 12:30, एक 12:30 से 4:30, इस स्लॉट्स में बुक करना पड़ता है, उसी स्लॉट में आप लोग को आना पड़ेगा अगर आप घर से बुक करके आ रहे हो तो, अदरवाइज़ पहले ही कर लो अगर आपको आ जाना है
तो दो चार दिन पहले कर लो ताकि आपको क्रैश ना हो। वेबसाइट क्रैश हो रही है बहुत ज़्यादा इनकी, मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, खैर चाहा तो हो गया। अब देखते हैं रियल टाइगर, वाइट टाइगर क्या खूबसूरत था यार। तेंदुआ लेपर्ड, लेपर्ड फुल गुस्से में घूम रहा है। यहाँ से निकलेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को अटैक करें, और भाई गुस्से में आ रहा है फुल। देख ले पूछ धरती में रोटी गंदे रोग लो कितना दुख है ना इनकी जिंदगी में, ऐसा लग रहा है देख के हैं कितना दुख है भाई साहब, कितना दुख है तुम्हारी लाइफ में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बात करो मुझसे। हाँ भाई साहब, हेलो, हाँ बोलो क्या हो गया। चलो व्हाट्सएप पे कॉल करना मुझे, ठीक है। अबे जैसे ही मैं आया वैसे उठ के बैठ गए भाई साहब। भाई साहब आ जाओ बाहर, अभी तो घूम रहा था, आलसी बहुत होते हैं, एक बार बैठ गए बैठ जाते हैं फिर नहीं। तो गाइस ये कितना बड़ा है, इसका एग उबलने में कितना टाइम लेता है? 3 घंटे। क्या बात कर रहे हैं, हां इसका एग बॉईल होने में 3 घंटे लेता है। भाई साहब कितना बड़ा है गाइस, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा ह्यूज है भाई साहब। मैं गाइस एनिमल्स खत्म, मतलब यहाँ के ख़त्म, वैसे तो है मेन टाइगर वगैरह थे, एलिफेंट थे, देखे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे कुछ। देखो लेपर्ड हो गया, जैगवार हो गया, टाइगर हो गया, लायन तो सो रहा था बेचारा, ठीक है। हमेशा सुधम बता रहे मैं एक 2006 में या 4 में आए थे, जब भी सो रहा था जब से और आज भी सो रहा है, चेंज हो गया होगा। और बाय द वे एक बैड न्यूज़ देता हूँ आपको, जो विजय नाम का टाइगर था जिसने मकसूद को मारा था, मतलब मकसूद जो गिर गया था बंदा, बेचारा पिछले हफ्ते मर चुका है वो टाइगर, वाइट टाइगर था। क्योंकि इस वाले जो एंड में मैंने आपको दिखाया ना, जो टाइगर पीछे आके बैठ गया था, वहीं थे दोनों टाइगर, वाइट भी और नॉर्मल वाला भी। वैसे पहले वाला जो वाइट था वो बहुत खूबसूरत था, पूरा शॉट आया उसका तो बहुत बढ़िया तरीके से। सो गाइज आज के लिए जितना रखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपको मेरे बेहतरीन से ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और गाइज काफ़ी एनिमल्स यहाँ से चले गए हैं, स्नेक वगैरह मैं गया था पूरे उसमें रूम में, कुछ नहीं था वहाँ पर, बस एक फ़िश एक्वेरियम था, इसमें गोल्डन फिश थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मैं इसलिए बाहर आ गया हूँ वहाँ से। बाय द वे बहुत चेंज हो चुका है, एनिमल्स कम हुए हैं, बड़े ही नहीं है, मुझे लगता है बढ़ाने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि और ये जो टिकट वाली सीन है इसे कम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग आ ही नहीं पा रहे अंदर, बाहर जूम लगा हुआ है या कुछ नहीं है। खैर गाइज और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और मम्मा भी हैं 2-4 दिन यहाँ पर, तो आने वाले व्लॉग्स में आपको ये साथ में दिखेंगे मेरे। कल इनको लेके आया हूँ मैं दुबई से, दुबई आया था सीधा मैं लेने भाई, आज वो मुझे इतना लंबा चला दिया इसने इनकी ना आदत ख़त्म हो चुकी है चलने की, पैरों की, ये आराम से वहाँ रहते थे। खैर यहाँ से यहाँ गर्मी ज़्यादा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ, गर्म है बट ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। सो गाइस मिलते हैं ऐसे की जबरदस्ती वीडियो में, स्टे सेफ स्टे फिट एंड 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 एंड